क्या कहना चाहेंगे आकाश की एक और फिल्म शोर मचाए शोर साथ में आप भी नजर आने वाले हैं जहां सूत्रों से खबर मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पिता के लिए कितनी खुशी होती है? अफकोर्स हो गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है चूँकि मैं उस दौर का नायक रहा हूँ जहाँ बंजर जमीन में हल चला के भोजपुरी सिनेमा को एक पहचान दी है, और इसके बाद बहुत सारे नायक, रवि किशन, मनोज तिवारी जी, दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, इन लोगों ने उस लड़ाई को, उस अभियान को आगे किया, और आज 55 साल के भोजपुरी सिनेमा का जन्म हुआ है, वर्ष हुए है जन्म लिए, उसमें ये 36वां वर्ष है जिसमें मैं अभिनय कर रहा हूँ। और भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए ही 2012 में राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो एक बाप का तो सपना यही होता है कि उस विरासत को उसका बेटा आगे बढ़ाए, और आकाश मेहनत कर रहा है, नया लड़का है, बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वो अपने ही लड़का है और वो चाहता है कि, और किसी भी बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बेटा उससे बड़ा नाम अपनी जगह बनाए। उसकी मेहनत को देख के मुझे लगता है कि वो बढ़ेगा, लेकिन किसी भी नए कलाकार को बढ़ने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, और बिहार और उत्तर प्रदेश और जितने भोजपुरी भाषा भाषी हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आशीर्वाद दे, भोजपुरी इंडस्ट्री को वो आगे बढ़ाए। कुणाल जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोग फाउंडर मेंबर रहे हैं, जब कभी कुछ नहीं होता था तो आपकी फिल्में आती थी, लोग पसंद करते थे, प्यार देते थे, आज भोजपुरी सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, कितनी खुशी होती है कि हाँ मैं इस विरासत को लोग आगे लेके जा रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब भोजपुरी सिनेमा इतना बड़े स्तर पर? देखिए, मैंने कहा ना कि एक वो किसान जो बंजर जमीन में हल चला के करीब में खेत के नज़दीक बैठ के देखता है कि उसकी खेत में फसल लहलहा रही है, तो जितनी खुशी उस किसान को होती है उतनी ही खुशी मुझे होती है आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। कुणाल जी, आपके ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे अच्छे गाने देखने मिलते थे भोजपुरी दर्शकों को, आज थोड़ा सा अश्लीलता देखने को मिलता है जिससे कुछ फैमिली को लेके आना साफ सुथरी फिल्म बनाए और लोग सब परिवार आके देख सकें? नहीं, ये प्रयास, और मैं तो एक ऐसा कलाकार हूँ जो अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करता, मैं भूखे मर जाना पसंद करूँगा मगर किसी अश्लील फिल्म में कुणाल सिंह को आप नहीं देखते होंगे। और ये फिल्म जो चोर मचा शोर है इसमें भी कहीं से अश्लीलता नहीं है, मनोरंजनपूर्ण फिल्म होगी ये, और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता का इल्ज़ाम लगाना सही नहीं, चूँकि हमारा समाज भी बदल रहा है, तो बदलते हुए समाज में सिनेमा बदल जाता है इस वजह से, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको ज़िंदा रखने के लिए, और अब जनता ने भी नकारना शुरू कर दिया अश्लील फिल्मों को, तो अभी इधर की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें अश्लीलता नहीं है, कुछ है, उसको दूर करने का प्रयास हम लोग मिलके कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो दर्शक आपको प्यार करते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आकाश को प्यार दें, वही प्यार दें, आशीर्वाद दें जो उन्होंने आपको दिया, और मैं फुल गारंटी देता हूँ प्योर एंटरटेनमेंट करेगा आकाश, अश्लीलता नहीं देगा। मैं आप तमाम दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों का मनोरंजन किया पारिवारिक फिल्मों से और आप लोगों के प्यार के चलते ही कुणाल कुणाल बना है, वैसे ही मेरे बेटे आकाश को भी आशीर्वाद दीजिए, और आपको मैं वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने इस कुणाल को किसी अश्लील फिल्म में नहीं देखा है, मेरा बेटा भी वैसे किसी फिल्म में अभिनय नहीं करेगा। मेरा वो बेटा है, अगर बाप भूखे रह के मर जाना पसंद करेगा, अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करना चाहता है, तो वो तो मेरा बेटा है, वो भी वही करेगा जो मैंने किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आया था जब भोजपुरी को कोई ज़्यादा नहीं पसंद करता, उस वक्त
फिर ये आइडिया है कि अश्लीलता जो है बन सकती है और अश्लीलता काफ़ी परोसी गई, जिसके बाद फिर एक बार भोजपुरी ने कमबैक किया। अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है। ये जो पीरियड था जहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ भोजपुरी का, उसको क्या लगे कि क्या भोजपुरी वापस कमबैक कर पाएगा या भोजपुरी का खात्मा हो जाएगा? नहीं, भोजपुरी भाषा की जो फिल्में हैं इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा, जो हमारे समाज में घटता है हम उसको सिनेमा के माध्यम से दिखाते हैं। आपको याद होगा कि 1990 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी और पुरुष शाम को 6 बजे काम ख़त्म करके लौट जाना पसंद करते। उसी दौर में प्राइवेट म्यूजिक एल्बम का चलन शुरू हुआ, जिस पर कोई सेंसर नहीं। तो ये सब मिल मिला के हमारे भोजपुरी सिनेमा को बहुत डैमेज किया। लेकिन कोई भी सभ्य समाज में अश्लीलता अपने परिवार के साथ देखना नहीं चाहता है, और यही वजह है कि वो एक दौर ख़त्म हो गया और अब एक हिंदी के समकक्ष, उसके पैरेलल, उसके बराबर भोजपुरी सिनेमा मनोरंजनपूर्ण फिल्में बना रही हैं। थैंक यू सो मच।